हाँ लास्ट वीडियो में जो सिखाया वो था ना, उसके आगे कंटिन्यू करता हूँ। इसमें फोर फिटेडर का सबका इंटरव्यू बता देता हूँ, कंप्लीट हो जाएगा फिर। ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, अब कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, हमने ऐसे तुम याद जहाँ तक हो, हमने ये सारा एंट्री कहाँ तक करी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट तक का कर दिया था, फर्स्ट कॉल का रिसीव तक कर लिया था। अब लेकिन क्या था इसमें, ये जो पढ़ोगे पहला एक्स वाला, ये एक्स वाला जो है कह रहा है कि एक्स हूम 40 शेयर अलाउटेड, फेल टू पे अलाउटमेंट। वो अलाउटमेंट तो फेल कर गया, एंड ही सब्सिक्वेंटली फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल भी फेल कर गया। ही शेयर वर फोरफिटेड, उसका शेयर क्या हो गया, फोरफिटेड हो गया। तो फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिटेड है ना, तो फर्स्ट कॉल किसका कर रहा हूँ, एक्स का। तो एक्स का शेयर फोरफिटेड करोगे तो क्या एंट्री करोगे वो बता रहा हूँ। एक्स शेयर फोर फिटेड उसका क्या एंट्री होगा, वो फोर फिटेड का एंट्री तो आप लोगों को पता ही अच्छे से, एंट्री तो फिक्स ही है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड टू कॉल्स इन एरियर। ठीक है, अब कॉल सिनेरियर सर कैसे निकालेंगे, कैसे, बड़ा आसान है। देखो, एक्स का वो डब्बा बनाया था, एक्स का एरियर यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 120 है, दोनों को जोड़ दो, 32 प्लस 120, 32 प्लस 120 दिस इज 152। ठीक है सर, शेयर कैपिटल में कैसे डालेंगे, तो इसका शेयर अलाउटेड शेयर कितना है, 40 इंटू अलॉटमेंट मनी करोगे कितना कॉल्ड अप हुआ है, तो कॉल्ड अप ऐसे पता लगेगा, इससे ये मांगा दे दिया, ये मांगा नहीं दिया, ये मांगा नहीं दिया, इसका तो ये मांगा नहीं, फोरफिटेड हो गया। क्या हो गया, फोरफिटेड हो गया। अब इस फोरफिटेड का एंट्री क्या करेंगे वो बता रहा, फोरफिटेड का एंट्री क्या नहीं, फोरफिटेड का क्या एंट्री होगा ये बता रहा हूं सर, बताओ। तो यहाँ पे कॉल्ड अप कितना हो गया, 6 रुपए ये, 2 रुपए ये, 8 और 3 11, 11 हुआ ना, उसमें से प्रीमियम हटा लो जी, 11 में से 1 रुपए प्रीमियम ये, 1 रुपए ये, 1 3 रुपए प्रीमियम, 8 में से 11 में से जो 3 रुपए प्रीमियम कटा हुआ था 8, तो अच्छा सर शेयर कैपिटल में 8 से इंटू होगा, बिल्कुल सही, 8 से इंटू होगा 30, 320 रुपए का ये हो गया। ठीक है, अब सर क्या होगा, अब ये वाला चीज है ना थोड़ा समझने वाला है आप लोग सर, शेयर तो ये सर क्या समझाने में, बड़ा आसान चीज है क्या सर, जो प्रीमियम नहीं मिलता है उसको याद रखते हैं, जो मिल जाता है उसको भूल जाते हैं, बिल्कुल सही सर। कैसे, ये प्रीमियम तो आप भूल ही जाओगे, क्या होगा, ये प्रीमियम को तो आप भूल जाओ, क्यों सर, ये मिल चुका है, याद किसको रखोगे, एक प्रीमियम ये याद रखो, एक प्रीमियम ये याद रखो, कोई डाउट नहीं। अगर देखा जाए तो अलॉटमेंट का प्रीमियम कितना होगा, चार अलॉटमेंट पे प्रीमियम कितना होगा, अलॉटमेंट पे प्रीमियम यही होगा ना, 40 शेयर था 1 रुपये, 40 रुपये नहीं। फर्स्ट कॉल का प्रीमियम कितना होगा, फर्स्ट कॉल का प्रीमियम कितना होगा, 40 गुना 1, सर ऐसे क्यों बता रहे हो, अभी देखो ना, अब देखो अलॉटमेंट का प्रीमियम पैसे, ये प्रीमियम पैसे बता रहा हूँ, प्रीमियम का पैसे, अलॉटमेंट का प्रीमियम 40 होना चाहिए, लेकिन अलॉटमेंट पे एरियर कितना है, 32, इसका मतलब बाकी मिल गया, तो अलॉटमेंट में से क्या कहोगे, 8 रुपये प्रीमियम मिल चुका है, तो एरियर ही 32 है, तो यही करोगे, यानी इसका प्रीमियम कितना नहीं मिला है, 32, इसका सर एरियर कितना है, 120, इसका एरियर कितना है, ये 120 है, तो इसका प्रीमियम कितना है, 40, तो इसका मतलब 40 का 40 नहीं मिला, तो
तो यहाँ से 32 + 40 लोग, कितना हो जाएगा 72 रुपये, जो प्रीमियम नहीं मिला है यहाँ से 72 करोड़। सर नहीं समझ रहे, एक और समझो, अब देखो ना बिल्कुल से समझो। जैसे अगर नॉर्मली केस में क्या करते, 40 × 2 करते 80 रुपये होता, यहाँ पे 80 रुपये होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए 80 रुपये, लेकिन 80 रुपये की जगह 72 लिया हो, तो फर्स्ट कॉल का टोटल प्रीमियम नहीं मिला है 40, लेकिन अलॉटमेंट का टोटल एरियर ही 32 है, तो 40 कैसे लोगे, इसीलिए नहीं लो, तो 40 उसका और 32 उसका, टोटल निकाल के क्या हो गया 72। सर ये कैसे निकालेंगे, बैलेंस शीट फिगर में निकाल लोगे कैसे, अब क्या करोगे 320 में से ये घटा दो, तो जो भी आएगा वो आ जाएगा, कितना आएगा सर ये देख लो आप लोग, तो तेज बच्चे हो, ऐसे करोगे कितना हो जाएगा 320 में से 152 घटाओगे, 52 20 रुपये यहाँ बच जाएगा, और 100 रुपये यहाँ, 20 रुपये यहाँ बच जाएगा, 40 हो गया, 40 में से तो 40 कितना हो गया 320 + 72 करो कितना हो गया 392 हो गया, 392 में से 150 घटाओ 042 240 आ गया, ठीक है जी। लो ये हो गया ड्यू का, वो फर्स्ट एक्स का फोरफिटेड, नरेशन लिख दोगे बीइंग शेयर फोरफिटेड, बीइंग शेयर फोरफिटेड, अब करोगे फर्स्ट कॉल ड्यू सेकंड कॉल ड्यू, तो सर ये तो आसान होगा, बिल्कुल सही करो, तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो सर इसका एंट्री तो बड़ा आसान है, सही कह रहे हो, आसान तो है ही, 2000 शेयर है नहीं सर, और इसका 3 रुपये, तो 2000 तो शेयर था, 3 रुपये अब नहीं करेंगे, पहले उसमें से 40 घटाएंगे, फिर 3 से इंटू करेंगे। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 40 शेयर फोरफिटेड हो गया है, तो 1960 में से हम घटाएंगे इतना, तो कितना हो जाएगा 2000 में से 6000 में से हमें घटाना कितना पड़ेगा 120, तो 120 घटाओगे तो 5880 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 960 × 1 कितना हो जाएगा 960, यहाँ पे क्या होगा 960 × 2, तो 0 × 2 = 48 39.20 हो गया, ये हो गया, यहाँ 880 जोड़ोगे तो दोनों बन जाएगा, ठीक है। अब करो बैंक का एंट्री, बैंक का एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरिया, डेबिट कॉल्स इन एरिया डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, कितना हो जाएगा 5880। अब एरियर कैसे पता लगा, 180 रुपये का एरियर है, तो 180 रुपये घटा दो तो कितना हो जाएगा 5700 का ये। अब सर अब उसका भी फोरफिटेड करो, इस शेयर होल्डर का, दूसरे शेयर होल्डर का, दूसरे यानी वाई का शेयर फोरफिटेड होगा, तो ये तो सर आसान है, बिल्कुल कह रहे हो, तो वाई का शेयर फोरफिटेड करोगे तो क्या हो जाएगा, वही इंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड टू कॉल्स इन एरिया,
कॉल्स इन एरियल, तो शेयर फोर फिटेड तो पता ही लग गया, कॉल्स इन एरियल 180 कितना हो जाएगा, 180 प्लस 180 360, ठीक है। इसमें तो फुल्ली कॉल तो 60 गुना 10 600, इसमें कोई पंगा नहीं है, 60 गुना 2 रुपये फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का नहीं मिला, 120। अब इतना हो गया, इसमें से ये घटा दो बैलेंस शीट फिर में 720 में से ये घटा दो तो 360 ही आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट एंट्री क्या होगा, री इशू का, लो री इशू का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ेंगे टू शेयर कैपिटल, उसके लिए पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है इसके लिए। अब इसके लिए कह रहा है ये क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा आपको एक बार, और री इशू के लिए ये देख करे, आउट ऑफ द फोरफिटेड शेयर, आउट ऑफ द फोरफिटेड शेयर 80 शेयर, कितना शेयर 80 शेयर वर सोल्ड, जेड फुल्ली पेड अप कितने में हो गया, और 9 रुपये में, द होल शेयर ऑफ वाई शेयर बीइंग इंक्लूड, वाई का पूरा है तो बिंदल मार दो भैया, तो 80 शेयर हुआ है ना फुल्ली पेड अप, तो क्या करोगे 80 गुना 9 720 रुपये आ गया, यहाँ का 80 गुना 10 क्योंकि पुल्ली को डब कॉल डब 10 रुपये से हो जाएगा 800, तो कितना हो जाएगा 80 रुपये डेबिट हो जाएगा शेयर फोरफिटेड का, लॉस हो गया। अब अगला एंट्री होता है शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व, अब इसमें कितना आएगा ये देखना है, लो इसका भी वर्किंग नोट बना लो। अब देखो एक है X और एक है Y, इसका शेयर नंबर शेयर फोरफिटेड शेयर कितना है, इसका 40 है तो इसका 60 है, और फोरफिटेड अमाउंट कितना है, फोरफिटेड अमाउंट देखो अब एंट्री से पता चलेगा, फोरफिटेड अमाउंट इसका है 240 एक्स का, और इसका 240 ये वाला 240, और इसका है इसका कितना है 360, ठीक है। तो एक्स का है 240 इसका है 360, री इशू कितना हुआ है, इसका तो फुल है और इसका कितना है ओनली 20 हुआ, इसका 60 हो गया इसका 20 हुआ, तो फिर आसान हो गया ना, तो क्योंकि टोटल रीशू 80 की हो, टोटल रीशू कितना की हो 80, 80 से 60 इसका है और 20 इसका है, तो फोरफिटेड भी इसका पूरा यूज हो जाएगा, इसका पूरा यूज नहीं करेंगे। तो आप लोगों को ये डब्बा बता रखा हूँ कैसे करते हैं, फोरफिटेड अमाउंट कितना है, फोरफिटेड शेयर 40 है, फोरफिटेड अमाउंट 240 है, तो 20 में कितना होगा, तो आधा हो गया ना, 120 रुपये इसका यूज हो सकता, तो 360 रुपये इसका यूज हो सकता, दोनों जोड़ के माइनस कर लो, 360 प्लस 120 कितना हो गया लेस 80, तो कितना हो गया 480 में 80 घटा हुआ 400, दिस इज योर आंसर। अब एक क्लास है ना, अब अगली क्लास में आपको अगली वीडियो में है ना बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं उसका डिटेल बताऊंगा, ठीक है, आज के लिए इतना ही, ओके, सब कर लेना होमवर्क, ये तो रह जाएगा।